इटावा में समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क अभियान में शामिल होने बकेवर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद ने बसपा और भाजपा पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीब मजदूर दलित बड़ी आस के साथ अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में हर तरफ बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है और हमें 2022 के चुनाव में 350 सीटें जीतकर हम ऐतिहासिक 3/4 बहुमत हासिल करने का काम करेंगे। बीते दो दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षा मिली, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम अमित शाह के गुंडों से हमें डर लगता है। दलितों को, दलित समाज काफी समय से काशीराम जी के साथ रहा है, मायावती साथ रहा है, किस तरीके से आप सपा में जोड़ने का, किस तरीके से आप? दलित समाज लड़ाकू समाज है, वो लड़ना चाहता है और सतीश मिश्रा ने लड़ाई रोक दिया है, जालिमों से समझौता कर लिया है, इसलिए हम लड़ाइया अखिलेश यादव के साथ हैं और उसी के साथ अपनी जंग लड़ना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।